हेलो मेरे बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी की कक्षा में मैं आपकी अध्यापिका, आपकी दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम कौन सा पाठ कराने जा रहे हैं, इस पाठ का नाम क्या है और उस पाठ में क्या क्या होगा, ये तो पाठ पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 12 और पाठ का नाम है सुखी आदमी की कमीज। तो क्या है इस पाठ में, तो ये तो हमें पाठ जानकर ही पता चलेगा। अरे वाह, कितने सारे चेहरे बने गए हैं, दिए गए चेहरों के भाव सम पहचानो, ऐसे ही चेहरे सहपाठियों से पहचानने के लिए कहो। ये देखो देखो तो इन चेहरों में कितने अलग अलग भाव छुपे हैं। चेहरा एक, भाव अनेक। सोचो तो ये भाव आते कैसे होंगे। आओ पाठ पढ़कर समझते हैं कि किस प्रकार मन के भाव चेहरे पर अभिव्यक्त होते हैं। जैसे ये बच्चा कितना हंस रहा है और ये बच्चा कितना सैड है, कितना उदास है, और ये बच्चा तो कुछ सोच रहा है, जी हाँ, और ये बच्चा घबराया हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, और ये कितना गुस्से में है, ये देखिए इसका चेहरे से गुस्सा लग रहा है, और ये रो रहा है शायद, और ये भी जो है ये भी एकदम शॉक्ड, जैसे पता नहीं क्या इसने देख लिया। तो कितने सारे इन बच्चे के चेहरे पर भाव बने हुए हैं ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इस आज के पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सभी साधन हो, वह हर सुख सुविधा से संपन्न हो, लेकिन यदि वह खुश नहीं है तो सब बेकार है। प्रस्तुत कहानी हमें परिश्रमी और संतोषी बनाने की सीख देती है। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज को, यानी कि उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके मर्ज को समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। देखा आपने, वैद्य ने क्या बोला कि किसी एक सुखी व्यक्ति की कमीज राजा पहन लेंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर कोई व्यक्ति सुखी व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपने निर्धनता का दुख था, तो किसी को धनवान होने का, तो कोई धन की लालसा पाले हुए था, किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, किसी को संतान न होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे, मतलब कोई उन्हें सुखी नजर ही नहीं आया। सबको कोई ना कोई दुख था। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर, यानी कि गांव का जो दरवाज़ा था मेन, जहां से गांव में एंटर होते थे, अंदर आते थे, एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई दिया। मदमस्त मतलब जिसको कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आराम से कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आराम से मस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाता हुआ लोटपोट हुआ करता था। वह अधिक प्रसन्नचित जान पड़ता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करते हुए कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। किसको बोला, उस भिखारी को जो आराम से लेटा हुआ था। हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उससे कहा, यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया।
फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए मेरे पास कोई और कमीज है ही नहीं। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह ये जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने ये समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास एक भी कमीज नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तथ्य, यानी कि गहरे गूढ़ तथ्य को समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये कहानी, जो ये कथा है जो आज आपने पाठ पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या जाएंगे, सबसे पहले आएंगे कठिन शब्द। स्वस्थ, प्रसन्नचित, पूर्णतया, आदेश, गूढ़ तथ्य, युक्ति, राज्य, निर्धनता, अभिवादन, बुद्धिमान, अभिभूत, खुश, संतुष्ट और वैद्य। और अब क्या आ रहे हैं, अब आ रहे हैं शब्दार्थ। वैद्य का अर्थ है आयुर्वेदिक चिकित्सा, मर्ज यानी बीमारी। युक्ति का अर्थ है उपाय, निर्धनता यानी गरीबी। लालसा का अर्थ है चाह, निर्धन यानी मृत्यु। वस्तुतः का अर्थ है वास्तव में। मदमस्त यानी मतवाला। प्रसन्नचित यानी बहुत प्रसन्न। अभिवादन नमस्कार। स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के। वस्त्र यानी कपड़ा। व्याप्त का अर्थ है फैले हुए। पूर्णतया यानी पूरी तरह से। गुड़ यानी छिपा हुआ। तथ्य यथार्थ। और व्यर्थ का अर्थ है बेकार। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दों के अर्थ। और अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछ रहे हैं ये राजा का भ्रम कैसे टूटा। राजा ने जब देखा मेरे राज्य में कितने सारे लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, किसी की पत्नी नहीं है, कोई पत्नी के होने से दुखी है, कोई धन के लालसा में दुखी है, कोई संतान के ना होने से दुखी है, और मैं तो व्यर्थ ही बेकार में ही इतना परेशान हो रहा था। तो ये सब देख देख कर राजा का जो भ्रम था कि मैं बीमार हूँ, वो टूट गया। सैनिक राज्य में किसे खोजने निकले, और क्यों? सैनिक राज्य में जो सबसे सुखी व्यक्ति होगा उसे ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि राजा को उस सुखी व्यक्ति की कमीज पहननी थी। भिखारी होते हुए भी कोई सुखी हो सकता है कैसे? जी हाँ, भिखारी होते हुए भी कोई सुखी हो सकता है, क्योंकि भिखारियों को तो किसी चीज़ की लालसा ही नहीं होती, किसी चीज़ की चाह नहीं होती, इसलिए वो सुखी हो सकते हैं। कमीज़ देने में भिखारी ने अपनी लाचारी बताई, और क्यों? कमीज़ देने में भिखारी ने बोला कि मेरे पास तो कमीज़ सिर्फ एक यही है, इसलिए मैं उसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरी कमीज़ नहीं है। और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। हमेशा की तरह हम पहले देखेंगे कि सही कौन सा शब्द है। भिखारी मस्ती में क्या बजा रहा था, बांसुरी, ढोलक, नगाड़ा या सीटी? भिखारी मस्ती में सीटी बजा रहा था। भिखारी को पाकर कौन अभिभूत हो गए, कौन खुश हो गए कि अरे मिल गया, हमें एक सुखी व्यक्ति मिल गया? कौन? सैनिक, चोर, मंत्री या राजा? सैनिक जो थे वो खुश हो गए, अभिभूत हो गए। भिखारी क्या करते करते लौट पोगे हो गया, हंसते हंसते, रोते रोते, खांसते खांसते, गाना सुनते हुए भिखारी हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। राजा को क्या लगने लगा था, वह खुश है, वह बीमार है, वह स्वस्थ है, या प्रजा दुखी है? राजा को लग रहा था कि वह बीमार है। जीवन का गूढ़ रहस्य किसको समझ में आया, भिखारी को, सैनिकों को, राजा को या मंत्री को? जीवन का गूढ़ रहस्य राजा को समझ में आ गया। और अब हमें क्या करना है, हमें सही मिलान करना है जो हमने कर दिया है। सबसे पहले थे राजा, राजा को हमने मिलाया दुखी से, क्योंकि राजा दुखी रहता था ना कि मैं बहुत बीमार हूँ। फिर भिखारी, भिखारी को मिला दिया हमने मदमस्त भिखारी, क्योंकि वो मदमस्त रहता था। कमीज को मिला दिया उधार मांगी। सैनिक को मिला दिया हमने भिखारी को 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, और गांव के द्वार को मिला दिया हमने सुखी से। तो इस तरह से हमने यह मिलान कर दिया है। और अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों में
एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज बीमारी को समझ लिया। पूरे राज्य में सुखी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति नहीं खोजा जा सका। गांव के द्वार पर एक भिखारी लेटा हुआ था। सैनिकों ने उसकी कमीज, क्या आएगा यहाँ पे, कमीज उधार मांगी। राजा जीवन के गूढ़ यानी कि गहरे गूढ़ तथ्य को समझ गया। तो इस तरह से हमने ये फिलिंग दी ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पूरे कर लिए हैं। एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज को समझ लिया। पूरे राज्य में सुखी व्यक्ति नहीं खोजा जा सका। गांव के द्वार पर एक भिखारी लेटा हुआ था। सैनिकों ने भिखारी से उसकी कमीज उधार मांगी और राजा जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ गया था। और आप क्या कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। सबसे पहले, राजा को कौन सी बीमारी थी? राजा को कोई बीमारी नहीं थी। वह अपने आप को सोचता था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन राजा को कोई बीमारी ही नहीं थी। वो सोचता था कि मैं बीमार हूँ। सैनिकों को क्या आदेश दिया गया? सैनिकों को बोला गया कि गांव में सबसे सुखी व्यक्ति हो उसकी कमीज लेकर आओ, वो राजा को पहनानी है। सैनिकों को गांव के द्वार पर कौन दिखाई दिया? सैनिकों को गांव के द्वार पर एक मदमस्त भिखारी दिखाई दिया। वस्तुतः सब जन दुखी थे, ऐसा क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि सही सब जगह पूरे गांव में, पूरे राज्य में ढूंढा हमें, उन्हें कहीं भी कोई सुखी व्यक्ति दिखा ही नहीं। कोई किसी कार्य से दुखी था, कोई धनवान होने से, कोई ना धनवान होने से, कोई संतान ना होने से, किसी की संतान खराब निकल गई थी उससे। तो वस्तुतः सभी जने दुखी थे, यानी कि सभी जितने भी थी वहाँ की प्रजा सब किसी ना किसी कारणवश दुखी थी। बुद्धिमान वैद्य ने राजा के इलाज के लिए क्या सुझाव दिया? बुद्धिमान वैद्य ने राजा के लिए बोला कि जो सबसे सुखी व्यक्ति होगा उसकी कमीज राजा को पहनाओ। तो ये इलाज के लिए वैद्य ने सुझाव दिया। जीवन का गूढ़ रहस्य क्या था जो राजा को समझ में आ गया? जीवन का गूढ़ रहस्य ये था कि उसकी प्रजा जो है, वो तो राजा तो खुद को सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी राज्य में इतने लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश दुखी हैं, तो राजा समझ गया कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल बेकार का था। मेरे को अपनी प्रजा में लगाना चाहिए ध्यान। और उन्होंने अपनी प्रजा पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया और उनकी भलाई में कार्य करने लगे। तो राजा भी सुखी हो गया और उनकी प्रजा भी सुखी हो गई। उनको जो था, ये उनके जीवन का गूढ़ रहस्य जो था वो समझ में आ गया था। तो बच्चों, इतनी अच्छी कहानी, इतनी अच्छी कथा के सब बात, ये वाला पाठ हमारा यहीं समाप्त हुआ है। और मैं आशा करती हूँ इस पाठ को आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी इसे कुछ शिक्षा ग्रहण की होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए आभार।